ये जितने भी बर्तन हमने निकाले हैं वहाँ पे जहाँ पे आग लगी थी, तो हम इनमें से सारे बर्तन देंगे लोगों को जिनके जिनको जरूरत है। आ बेटा, ये दो थाली निकल चुकी है, चिपक गई होगी। अच्छी जी ले लो जगह। वो देखिए वहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरी ज़मीन, और ये जो घर है यहाँ से सब कुछ वो जला हुआ था, कल भी मैंने दिखाया। और बाकी कुछ लोग यहाँ पे खेत में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुआयना ले रहे हैं, और हम लोग जो हमारे पास जितना हमसे बनता है हम अपनी तरफ से पूरी पूरी मदद करेंगे। अच्छा छोट लड़का वाला कौन हो? कपड़ा निकल बस छिपा जा वो देखो सामान, सिलेंडर, सिलेंडर भी ऐसी बाहर है, कपड़े भी फेंकते हैं। अरे वाले, यहाँ जितने भी अनाज वगैरह रखे थे, यहाँ पे चूल्हा है जो लकड़ी वाला, जो लकड़ी से जलाते हैं, इधर देखो कल वगैरह सब अंदर की तरफ, और इसके अंदर से इतनी ज़्यादा आग निकल रही थी इस दोनों घर के अंदर से। यहाँ देखो सब इधर सब जला पड़ा इधर, और इस घर में देखो यहाँ दो साइकिल थी और दो साइकिल पूरी जल गई, और लकड़ी वगैरह सब थी यहाँ पे सब जल गई। पीछे की साइड बहुत ही ज़्यादा नुकसान, यहाँ भी चूल्हा वगैरह था। तो कैसे लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं आप लोग समझ ही सकते हो। सामान बाहर निकाल रखा है इधर, सारे बर्तन वगैरह देखो। सब जल गए इधर। जो पहनने वाले कपड़े थे, साड़ी वगैरह, ये सब इधर जले हुए, उधर वो उनके कपड़े जले हुए। बैठी हुई हैं, दो सिलेंडर बाहर निकाल रखे हैं। अभी क्या है कि कुछ सामान बहुत लोगों को देना है, तो अभी हम जा रहे हैं विजयपुर खरीदने के लिए। अभी गिलास विलास भी आ गए हैं, इसमें चाय दी आएगी।
अभी 10 बाल्टी और 10 मग्गे ले लिए हमने। एगो लाल दे दिया, ए यही गुलाबिया दे दा। हमारी तरफ से जितना हो सका था गाइस हमने किया, और मैं आपकी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी मतलब सिचुएशन कहीं भी कभी भी हो सकती है, तो आप लोग भी मिलजुल के साथ रहना और ऐसे एक दूसरे की मदद करना।